हेलो दोस्तों, आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मृत्युंजय धारणा और मैं आप दोस्त और होस्ट मृत्युंजय सिंह। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बनारस के 10 ऐसे प्लेसेस के बारे में जहां पे आप बनारस में आएँ और घूमने ना जाएं तो बहुत मिस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम ऐसे 10 प्लेसेस के बारे में बात करेंगे जो बनारस में सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पर होती है। जी हाँ, आज बनारस के 10 प्लेसेस की बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मृत्युंजय धारणा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला चैनल, हमारा वीडियो टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन वाराणसी। सबसे पहले नंबर पर आता श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल। जी भैया, इसको तो मिस नहीं कर सकते क्योंकि बनारस में अगर आप आ रहे हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर जरूर जाएं। योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में जो बनारस में किया वो किसी भी मुख्यमंत्री अपने इतिहास में नहीं किया, ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा बनारस में डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले नंबर पे आता काशी विश्वनाथ मंदिर, अगर आप बनारस में आ रहे हैं तो ज़रूर घूमने जाएं। और हाँ, लाइन में लग के जाएं, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। दूसरे नंबर पे आता है घाट, 80 घाट सबसे टॉप में आता है। घाट पे अगर आप नहीं जा रहे हैं 80 घाट पे तो भैया आपने मिस कर दिया। 80 घाट की आरती शाम को 7 बजे स्टार्ट होती है, आप जरूर देखने जाएं, बहुत भीड़ होती है, बहुत मज़ा आता है, दिल को सुकून मिलता है। मैं बनारस का हूँ, ट्रस्ट में, मैं रात को 12 बजे 1 बजे जरूर जाता हूँ घूमने के लिए, शाम को तो जाता ही, सुबह भी जाता हूँ। अगर आपको बनारस में असली मज़ा लेना है घाट का, सुबह ही बनारस का मज़ा लेना है तो सुबह 4 बजे आप घाट पे पहुँच जाएं, उसके बाद आपको जो सुकून मिलेगा ना, आपको वो सुकून कभी नहीं मिला होगा, हर किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा जो सुकून आपको भोर में 4 बजे मिलेगा 80 घाट पर। सेम तीसरे नंबर पे आता है दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट की आरती पूरी दुनिया में फेमस है, चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे कुछ भी हो भैया, आरती होनी है तो होनी है, लाखों लोग डेली आरती देखते हैं बैठ, बहुत भीड़ होती है। अगर आपको आरती का मज़ा लेना है तो आप नाव से होकर नाव पे बैठ के आरती का मज़ा लें, बहुत मज़ा आता है, बहुत भीड़ होती है और बहुत दिल को सुकून मिलता है। मैं जाता हूँ, मैं बनारस का हूँ, मैं बनारस को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बट मैं जानता हूँ, बनारस में जिसने रहा है ना वो जानता है बनारस के बारे में। चौथे नंबर पे आता है बाबा काल भैरव। अगर आप बनारस में घूमने आ रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है, सबसे पहला काम, कहीं नहीं जाना है, सबसे पहले बाबा काल भैरव का दर्शन करना है। आप बनारस में स्टेशन पर उतरें, होटल जाएं, कपड़ा चेंज करें, नहा धोकर तुरंत बाबा काल भैरव का दर्शन करें। बाबा विश्वनाथ की जाने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहला नंबर पे है बाबा काल भैरव का। बाबा काल भैरव को दर्शन करने के बाद ही आप बनारस में कहीं भी घूमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, बाबा फिर बाबा काशी विश्वनाथ टेम्पल में भी दर्शन करने जाएं। तो चार चीज़ें आपको मैं बता दी। पाँचवें नंबर पे आता है मणिकर्णिका घाट। भैया ये तो कौन नहीं जानता, मणिकर्णिका घाट कहते हैं कि भैया आज तक मेरे बाबा दादा भी लोग यही कहते हैं कि कोई ऐसा दिन कोई ऐसा रात नहीं रहा, चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी हो, कोविड जो कुछ भी, वहाँ पे आग चिता जलती ही रहती है 24 घंटे। आप कभी भी जाओगे वहाँ पे एक ग्लास जलती ही रहती है। मणिकर्णिका घाट पे कहते हैं कि अगर लोग बनारस में आते हैं तो कुछ लोग तो कहते हैं कि मैं मरने के लिए बनारस में, साउथ में काफ़ी लोग बनारस में मिला जो कहते हैं कि मैं तो बनारस में मरने के लिए आया। तो आप बनारस में आ रहे हैं तो मणिकर्णिका घाट पर ज़रूर जाएँ, आपको ऐसा फील होगा। दूसरे जगह घाटों पे जाएंगे जहाँ पे लाश जलाई जाती है तो आपको सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन आप घाट मणिकर्णिका घाट पे लाश जलती रहेगी, आप बगल में बैठेंगे, खाना भी खा सकते हैं, आपको कोई फील नहीं होगी वैसे कुछ। मणिकर्णिका घाट पूरे वर्ल्ड में फेमस है, यहाँ पे मरने के बाद डायरेक्ट मोक्ष मिलता है भैया, धाम में चले जाओगे डायरेक्ट। तो 5 चीज़ें हो गई। और छठवें नंबर पर बात करते हैं हमारे भैया संकट मोचन हनुमान मंदिर। जी हाँ, संकट मोचन बाबा का दर्शन आपने नहीं किया बनारस में तो कुछ भी नहीं किया। तुलसी संकट मोचन में ही तुलसीदास को बजरंग बली ने दर्शन दिया था, उसके बाद वहीं की वहीं रह गए बजरंग बली। तो आप बनारस आ रहे हैं तो संकट मोचन जरूर जाएं। मैंने आपको सबसे पहले नंबर बताया बाबा काल भैरव, फिर बाबा काशी विश्वनाथ टेम्पल, 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, फिर संकट मोचन। ये जो प्लेसेस के बारे में आपको बता रहा हूँ ये बनारस में सबसे ज़्यादा टॉप में फेमस है, आप यहाँ पर नहीं गए तो कहीं नहीं गए। बनारस में संकट मोचन जरूर दर्शन करने जाएं, दिल को बड़ा सुकून मिलता है, बंदरों को का केला जरूर खिला दें। और 7वें नंबर पे आता है भैया हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टोटल 24 किलोमीटर में फैला हुआ है, बहुत दूर में है, ऑलमोस्ट 50 से 60 हज़ार से भी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। अब बनारस आ रहे हैं तो ज़रूर एक बार बाबा विश्वनाथ का मंदिर, एक और मंदिर है BHU में, वहाँ पर भी घूमने जाएँ, पूरे यूनिवर्सिटी को भी एक्सप्लोर करें, बहुत अच्छा लगता है। अगला नंबर आता है भैया सारनाथ का दमेक्स स्तूपा, बहुत फेमस है, जरूर जाएं, बहुत लोगों के लिए तो भैया पूछो ही मत, एक बार आए तो आप जरूर सारनाथ घूमने जाएं। सारनाथ भी बनारस का एक घाट है, कह सकते हो आप, दिल है,
आपने यहाँ नहीं गया तो कहीं नहीं गया। अगला नंबर आता है रामनगर फोर्ट। आप श्री सत्यनारायण तुलसी मंदिर को भी छोड़ सकते हो, लेकिन अब बोलना चाहते हो दुर्गा कुंड पे आता है, आप तुलसी मंदिर भी जा सकते हो, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। अगला नंबर आता है रामनगर फोर्ट। बनारस में आ रहे हैं तो रामनगर फोर्ट के जरूर जाएं घूमने, बहुत फेमस है, बहुत चीज़ें आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी ऐतिहासिक जो आपने कभी, घड़ी बहुत फेमस है, रामनगर के बगल में एक लस्सी पूरे दुनिया में भैया, वहाँ पर आप जाओ तो लस्सी जरूर पीना, जब भले ही पूरे बनारस में घूमना, ठीक है। अगला नंबर आता है दुर्गा जी का मंदिर, दुर्गा मंदिर तुलसी मंदिर और दुर्गा जी का मंदिर दोनों बगल में ही है, दुर्गा कुंड पे आप दुर्गा जी का दर्शन जरूर करने जाएं, बहुत अच्छा है, वो दिल को सुकून मिलता है, माता जी आपकी सारी दुखों को हर लेंगे। अगला नंबर आता है श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, एक और है जो BHU के कैंपस में, जो अभी आपको ऊपर बता रहा था, BHU एक्सप्लोर करने जाएं तो VT जरूर जाएं, जिसको विश्वनाथ टेम्पल कहते हैं। मैं अगला नंबर जो पहले आपको बताया बाबा काल भैरव टेम्पल, ये अभी लास्ट में, बट आप इसको सबसे पहले दर्शन करने, सारा काम छोड़ के बाबा काल भैरव को दर्शन करने जाएं, उसके बाद सारनाथ चले जाएं, उसके बाद नेपाली टेम्पल चले जाएं। तो मैंने 10 से ज़्यादा मंदिरों के बारे में बताती हूँ जो अभी कम है, मैं टॉप 10 प्लेसेस के बारे में बताया हूँ जो अभी टॉप 10 में, बाकी तो हजारों चीज़ें घूमने के लिए, गली यहाँ के सबसे फेमस हैं और भी बहुत सारे घाटे हैं। तो दोस्तों आए हैं बनारस में तो इतनी ज़्यादा चीज़ों को जरूर एक्सप्लोर कर लें। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, वीडियो हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, रियल चीज़ें आपको दिखाया हो, तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू सो मच।